जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है। लंका विजय के पश्चात राम ने हनुमान से एक दिन पूछा, पवन पुत्र, किष्किंधा का राज सिंहासन सुग्रीव को मिला, लंका का राज सिंहासन विभीषण को मिला, अयोध्या का राज सिंहासन मुझे मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें भी तो कुछ पद चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए तुम्हें भी एक कोई अच्छा सा पद चाहिए ना। तब हनुमान ने बहुत गजब की बात कर दी। हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभो, मुझे आपके दो पाद चरण मिल गए, आपके चरणों में मुझे स्थान मिल गया, इससे बड़ा पद मेरे लिए और क्या हो सकता है? मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। रसगुल्ले मिलने के बाद रोटी खाने की इच्छा कौन करेगा? हाँ, रसगुल्ले मिल गए हैं, फिर रोटी की इच्छा कोई नहीं करता है। अरे, प्रभु के चरणों में जिनको स्थान मिल गया है, प्रभु के हृदय में जिनको स्थान मिल गया है, उसको बाहर की भौतिक सुख सामग्री सत्ता की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही युवावस्था में जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु के चरण पद्मों में समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे श्रमण संघ के नायक आचार्य प्रवर डॉक्टरेट पूज्य श्री शिव मुनि जी मार साहब, जो आज पंच परमेश्वरी के तीसरे पद पर विराजमान है, जिनकी आज जन्म जयंती है। एक सवाल है आपसे, नायक किसे कहते हैं? जो श्रमण संघ के नायक है, नायक किसे कहते हैं? नायक शब्द का अर्थ क्या है? जैसे आप पिक्चर देखते हो, सीरियल देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसमें जो हीरो होता है उसको नायक कहते हैं, या कोई एक्टर होता है उसको भी नायक कहते हैं, या फिर आपका कोई ग्रुप है, कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है आपका, उसका संचालन करने वाले को भी नायक कहते हैं। परंतु वास्तव में नायक कौन होता है? जिसके भीतर में त्याग है, जिसके भीतर में समर्पण है, जो साहसी है, सत्य और न्याय का जो पक्षधर है, निर्णय क्षमता जिसकी मजबूत है, ऐसा व्यक्ति नायक हो सकता है। ऐसे हमारे श्रमण संघ के नायक है आचार्य प्रवर डॉक्टरेट पूज्य श्री शिव मुनि जी मार साहब। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान केवल दर्शन के पश्चात चतुर्विध संघ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। भगवान के साधु कितने थे बोलो, और साध्विया? इन 14,000 साधुओं का नायकत्व कौन करते थे? गणधर भगवंतों के जिम्मेदारी से ये सारा संघ चलता था, वो संघ का नायकत्व करते थे। जब तक तीर्थंकर परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं, तब तक कोई आचार्य पद नहीं होता है। गणधर भगवान ही उस चीज का परिवहन करते हैं। तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के पश्चात आचार्य पाठ परंपरा शुरू होती है, जो संघ का नेतृत्व करते हैं, संघ का संचालन करते हैं, संघ को दिशा देते हैं। ऐसे आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं, 8 संपदा से युक्त होते हैं। कहाँ बोलते हो रोज? तीसरी वंदना में बोलते हो, 8 संपदा बोलते हो ना, आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा, संग्रह संपदा। ऐसी 8 संपदा से युक्त आचार्य होते हैं। आचार्य संघ के लिए क्या होते हैं? तो कहा गया है, महापुरुषों ने बहुत सुंदर बात कही है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया है कि द्वीप द्वीप और दीपक के समान आचार्य होते हैं।
समुद्र यात्रा करने के लिए जो यात्री जाते हैं उनके लिए द्वीप यह विश्राम स्थल होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है। उसी प्रकार दीपक जो होता है वह दुनिया का अंधेरा दूर करता है, प्रकाश देता है, सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है। बस ऐसे ही आचार्य भी संघ के लिए द्वीप और दीपक के समान होते हैं, संघ के लिए मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। आचार्य के बिना संघ चलता ही नहीं है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में पेट्रोल है, सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है, यात्री भी बैठ चुके हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो वो गाड़ी आपको कहीं भी पहुंचा नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे संघ के अंदर त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, साधु, साध्वी है, विनय वैयावच्य करने वाले श्रावक, श्राविका भी है, परंतु यदि उस संघ को आचार्य नहीं है तो वह संघ संघ नहीं कहलाता है, वह संघ संघ नहीं कहलाता है। आचार्य के बिना संघ यानी कैसा होता है? बिना छत के मकान की तरह होता है। जिस मकान को चार दीवारी है, खिड़की, दरवाजे, सब कुछ है, लेकिन ऊपर छत नहीं है, उसको मकान नहीं कहते हैं, खंडहर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। बस ऐसे ही संघ जो होता है आचार्य से ही सुशोभित होता है। आचार्य की महिमा बताते हुए हमारे आगमों के अंदर बहुत सी बातें बताई हैं कि आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य कैसे होते हैं कि जो संघ का परिवहन करते हैं, संघ को मार्गदर्शन देते हैं, संघ के हरेक सदस्य का ध्यान रखते हैं। ऐसे आचार्य उसी भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, अथवा तो तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवती सूत्र में ये बात आई हुई है। भगवती सूत्र के अंदर प्रभु को जब प्रश्न पूछा तो प्रभु ने यह समाधान दिया कि आचार्य जो अपने पद का पूर्णतः परिवहन करते हैं नियम से, वो या तो उसी भव में मोक्ष जाते हैं या तीसरे भव में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे पूरे चतुर्विध संघ के सर्वप्रथम नायक कौन थे, सर्वप्रथम आचार्य कौन थे? आचार्य सुधर्मा स्वामी, प्रथम तीर्थंकर भगवान के पश्चात, निर्वाण के पश्चात प्रथम पट्टधर के रूप में कौन थे? तो आचार्य सुधर्मा स्वामी। द्वितीय पट्टधर कौन थे? बोलो, जम्बू स्वामी, वेरी गुड। तृतीय पट्टधर कौन थे? प्रभव स्वामी। चतुर्थ पट्टधर थे स्वयंभव स्वामी। इस प्रकार यह पाठ परंपरा चलते 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 आज कहां तक पहुंची है, हमारे वर्तमान आचार्य है आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी मार्सा। बंधुओं, यह पाठ परंपरा चल रही थी, इसी प्रकार यह परंपरा चल रही थी। हर एक छोटे छोटे ग्रुप के अलग अलग आचार्य थे। जब ये सब देखा, हर आचार्य अपना अपना संघ चला रहे हैं, तब कई मूर्धन्य महामनीषियों ने विचार किया कि इस प्रकार ये चलता रहा तो हर एक का यह बिखराव चलता रहेगा। बिखराव नहीं, जैन समाज एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। इस भारत भूमि के अंदर कई समाज है जो संगठित रूप से चल रहे हैं, हमारा भी संघ संगठित होना चाहिए। इसलिए सारे संगठन को, एकता को लक्ष्य में लेकर के श्रमण संघ की स्थापना हुई। सारी नदियों का सागर में विलीनीकरण हो गया, सारी नदियों का सागर में विलीनीकरण हो गया, श्रमण संघ की स्थापना हुई। और बड़े गौरव के साथ आज हम कहते हैं कि हमारा श्रमण संघ कैसा है, विशाल है। आज 1300-1400 साधु साध्वी जिसके अंदर चल रहे हैं, और सभी एक छत के नीचे चल रहे हैं, सभी एक छत के नीचे चल रहे हैं। आज 1300-1400 साधु साध्वियों के ऊपर नायकत्व करने वाले एक ही नायक है, बाकी अन्य जगह कई कई नायक मिलते हैं, परंतु हमारा यह श्रमण संघ जयवंत है, विशाल है और उदार है। ऐसे हमारे श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर, अब बोलो, पूज्य श्री आत्माराम जी मार्सा। द्वितीय पट्टधर रहे हैं हमारे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी मार्सा, जिन्होंने 30 वर्ष तक इस श्रमण संघ का नेतृत्व किया है। सामान्य बात नहीं है, घर को चलाना भी मुश्किल होता है आपको, इतने बड़े संघ को चलाना, वो भी थोड़े काल के नहीं, 30-30 वर्ष तक जिन्होंने
इस इतने बड़े संघ को चलाया है। बहुत सी बातें होती हैं, जितनी जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियां होती हैं, हर कोई बिल्कुल सरल प्रकृति के लोग नहीं होते हैं। ऐसे ऐसी प्रकृति के लोगों को भी एक सूत्र में पिरोकर रखना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर में आचार्यत्व के गुण होते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी मार साहब द्वितीय पट्टधर रहे हैं। तृतीय पट्टधर हमारे आचार्य प्रवर पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी मार साहब, जिन्होंने भी बहुत साहित्य की सेवा करके हम सभी को जो है बहुत बड़ा अनूठा मार्गदर्शन दिया है। और चतुर्थ पट्टधर है हमारे वर्तमान आचार्य प्रवर डॉक्टरेट पूज्य श्री शिव मुनि जी मार साहब। बंधुओं, आचार्य परंपरा को याद कीजिए। नंदी सूत्र में ये सारा वर्णन आता है। सुधर्मा स्वामी से लेकर देवर्दी गणिक क्षमा समन तक सारे आचार्यों का वर्णन आता है। क्या किया है उन आचार्यों ने, क्या किया है उन आचार्यों ने, बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो तीर्थंकर परमात्मा की जो साक्षात वाणी है, उस समय लेखन की परंपरा नहीं थी, मौखिक परंपरा चल रही थी। गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे, शिष्य जीवन भर तक उसको याद रख के अपने शिष्य को देते थे। इस प्रकार गुरु शिष्य की पाठानुपाठ परंपरा चल रही थी। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे बुद्धि दुर्बल होने लगी, लोग आगम को भूलने लगे, और अनंत अनंत उपकारी ये सारे आचार्य हैं कि जिन्होंने आगम ज्ञान को सुरक्षित रखकर हम तक पहुंचाया है। वरना वो नहीं पहुंचाते तो आज हमारे पास क्या था, नौकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये उनका महान उपकार रहा है, उनका त्याग रहा है, उनका बलिदान रहा है, उनका ऐसा कर्तृत्व रहा है कि जिन्होंने ये सारी आगम राशि आज हम तक सुरक्षित रखी है। तो याद कीजिए, प्रतिदिन याद कीजिए उन आचार्य भगवंतों को, वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए और उनके उपकारों को स्मरण कीजिए। ऐसे हमारे आचार्य आज वर्तमान में पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी मार साहब, जिनके आज 80वां जन्म दिवस है। 18 सितंबर आज का ही वह पवित्र पावन दिवस, जिस दिन मलोट मंडी में पिता श्री चिरंजी लाल जी और माता विद्या देवी की कुक्षी से जिस रत्न ने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात ही बालक से ही, बचपन से ही जो होनहार थे और शिक्षा के प्रति उनको बचपन से ही लगाव था। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी में डबल एमए किया। आगे चल करके फॉरेन भी गए हैं, फॉरेन जाकर के उन्होंने अध्ययन किया है। इतना सब कुछ, इतने सुख वैभव सत्ता संपत्ति में पले हुए, परंतु फिर भी भीतर में एक प्रश्न था, धर्म क्या है। भीतर में प्रश्न था, धर्म क्या है, खोज चल रही थी। धर्म को जानना है, धर्म को समझना है, धर्म के गहराई तक पहुंचना है। और ये खोज चलते चलते पहुंच गए हमारे ज्ञान महोदधि पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी मार साहब का, जिनको पावन सानिध्य मिला, जो पंजाब के हैं, जो हमारे प्रथम पट्टधर पूज्य आत्माराम जी मार साहब के शिष्य रहे हैं। ऐसे पूज्य उनके गुरु ज्ञान मुनि जी मार साहब, जिनका पावन सानिध्य मिला और उन्हीं के चरणों में 1972 में मलोट मंडी में उनकी दीक्षा होती है। दीक्षा लेने के बाद उनका यह खोज यात्रा जो है, अध्ययन यात्रा शुरू हो गई कि धर्म क्या है जानना है। और सबसे बड़ा उनके भीतर में एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, तो ध्यान किया मतलब क्या किया। ध्यान करना यानी बस ऐसे बैठ जाना, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान क्या होता है, ध्यान को जानने के लिए वो कहां कहां तक पहुंचे। आज ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां पूरे संसार में है, बहुत टाइप टाइप से ध्यान करवाया जाता है, ध्यान किया जाता है। क्या ये ध्यान है क्या, क्या ये ध्यान है क्या, ये उनके भीतर में प्रश्न था। और उन्होंने सारी पद्धतियों को जाना, समझा, सीखा, सब कुछ किया, और उसके बाद में उनके भीतर से जो अमृत निकला है, भगवान महावीर की ध्यान साधना का जो अमृत निकला है, जबरदस्त ध्यान साधना है वो। हमें कई बार ये मौका भी मिला है, और अभी इंदौर में जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन से पूर्व 4 दिन के लिए मात्र साधु साधवियों का उन्होंने ध्यान शिविर लिया था।
था और वास्तव में इतना गजब का बहुत सुंदर व ध्यान शिविर रहा है। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रवर जिन्होंने ध्यान के विषय में खोज करते करते जैन दर्शन में मोक्ष तत्व इस विषय पर PhD की है, डिलीट हुए हैं और इस प्रकार आज भी पूरे जनता को जो ध्यान का अमृत बांट रहे हैं, भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति सभी को सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य चारों तरफ से मनुष्य पीड़ित है, दुखी है, कष्टी है, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ तकलीफ है, परेशान है और ऐसी परेशानी का, इन तकलीफों का सभी का समाधान एक है और वो है ध्यान, वो है ध्यान। ध्यान हमें, ध्यान का उद्देश्य ही यही है कि स्वयं को उपलब्ध हो जाओ। हम बाहर भटकते हैं, दूसरे पूरी दुनिया भर की जानकारी रखते, खुद को जानते नहीं। पहले खुद को जानो, पहले खुद को जानो और फिर बाकी सब को जानो। तो खुद को जानने के लिए ये ध्यान की पद्धति आचार्य भगवान सभी को सिखा रहे हैं कि ऐसा यह ध्यान जो हमें पाप और पुण्य से निकाल करके ज्ञाता और दृष्टा बनने की प्रेरणा देता है। बहुत सुंदर बात है। मात्र दो शब्द हैं, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा का अर्थ क्या है? जानो और देखो, प्रतिक्रिया मत करो। क्या कहा? जानो और देखो, प्रतिक्रिया मत करो। जहां प्रतिक्रिया हो जाती है वहां कर्म बंद है, वहां कषाय है, वहां कर्म बंद है। इसलिए कोई भी प्रतिक्रिया मत करो, सिर्फ मात्र देखो और जानो, इतना ही। यह स्थिति जब आ जाती है तभी व्यक्ति धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के श्रेणी में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने यह ध्यान सिखाया है, सबको ध्यान सिखाया है और हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि कई बार उनका सानिध्य, पावन सानिध्य हमको मिला। इतने सरल है, इतने सरल है, इतने बड़े संघ के नायक होने के बावजूद भी छोटे साधु संतों के साथ भी उसी प्रेम के साथ बात करते हैं। हमने भी अनुभव किया है। याद आता है मुझे जामनेर की ओर, जलगांव की ओर जब विचरण हो रहा था, एक महीने उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। मैं उस समय नवदीक्षित थी और जब जब भी पधारते थे हम लोग, स्वागत के लिए आगे पहुंचते थे। एक बार एक छोटा सा भजन मैंने गाया, दोपहर के समय आचार्य भगवंत ने बुलवाया कि साध्वी श्री जी को गुरुदेव याद कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग गया, मुझसे कोई गलती हो गई, पता नहीं भगवंत मुझे याद क्यों किया। मैं गई वहां पर, हमारे पूज्य श्री सुप्रिया जी मान साहब साथ में थे। पूछा, भगवान आपने याद किया? तब कहा कि आपने जो सुबह भजन गाया था वो मुझे सीखना है। मुझे इतना भीतर से गदगद हो गया कि भगवान मैं कहाँ सीखाऊँ। बोले, नहीं, मुझे वो भजन बहुत अच्छा लगा है और मुझे वो सुनना है, आप वापिस सुनाइए। मात्र दो लाइन आपको सुनाती हूँ कि भगवान को वो भजन बहुत पसंद आया था। आंखें बंद करूँ या खोलूँ, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूँ या खोलूँ, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुवर, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दे। कभी समय आया तो वापिस पूरा गीत सुनाऊंगी क्योंकि हमारी घड़ी आगे चल रही है। तो इस प्रकार इतनी सरलता, और जिनका तप की साधना, जिनकी आज 30-35 वर्षों से निरंतर लगातार वास के वर्षी तप, उपवास के वर्षी तप जिनके चल रहे हैं, ऐसे तेजस्वी ओजस्वी आचार्य भगवान हमें प्राप्त हुए हैं। बस आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम शासन देव से, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप दीर्घायु हो, शतायु हो, आपकी कृपा छत्र छाया तले, श्रमण संघ इसी तरह आगे से आगे विकसित होता रहे, फलता फूलता रहे, अपने संयम और त्याग तप के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। और महत्वपूर्ण बात, ध्यान के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, आर्त ध्यान, रोद्र ध्यान से निकलकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की श्रेणी में हम आगे बढ़े और सभी हम अपना आत्म कल्याण करें, ऐसी मंगलमय प्रार्थना उन भगवान के लिए करते हुए बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। आचार्य प्रवर डॉक्टरेट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। पूज्यवर को ही ये सब कुछ फरमाना था, परंतु पूज्यवर के ही शब्द है और
पूज्यवर के ही भाव है, शब्द मेरे है, बस ये सारे पूज्यवर के भाव हैं। प्रवर्तनी जी मार साहब की ओर से, हम सभी की ओर से उन चरणों में यही जन्मदिन की शुभकामना मंगल कामना करते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी।